डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, कितना आसान होता ना यहाँ के लोगों के लिए इतने सारे पेड़ों में से कुछ पेड़ काट के एक ब्रिज बना देना। बट दे इनोवेटेड, नेचर को डिस्ट्रॉय करने से अच्छा उसके साथ ब्लेंड करके कुछ ऐसा नया बनाया, पेड़ की जिंदा रूट से ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया। इस पर्टिकुलर ब्रिज की स्पेशलिटी ये है कि जब ये पहला ब्रिज बनाया था तो उसके बाद यहाँ पे पानी का लेवल काफी बढ़ गया एंड इसको यूज करना हो गया इम्पॉसिबल, तो उन्हीं सेम रूट से इन्होंने इसके ऊपर एक और ब्रिज बना दिया, इसीलिए इसको कहते हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। खैर, थोड़ी देर पानी में वहाँ पे रिलैक्स करने के बाद हमने वापसी की हाइक शुरू की और अब आने वाला था असली मजा, क्योंकि अब चढ़ना था ऊपर। वैसे तो ये सिर्फ 1.5 घंटे का ही हाइक है, लेकिन ये स्टेयर्स कुछ ज्यादा ही थकाने वाली थी और ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सब लोगों की हालत थी। ऊपर पहुंचे हम लोग बिल्कुल गिरते पड़ते हुए, लेकिन फाइनली हमने कर दिखाया। तो रास्ते में इस ब्यूटीफुल स्पॉट पे चाय और सनसेट के साथ आज का दिन हमने किया समाप्त।